हिसार में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों से हिसार पहुंचे लोगों के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि हिसार की सब्जी मंडी में पहुंच रहे सब्जी विक्रेताओं में कुछ ऐसे सब्जी विक्रेता व उनके चालक भी शामिल हैं, जो देश के विभिन्न हॉटस्पॉट से आए हैं। उनसे कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे के चलते जिला स्वास्थ्य विभाग ने उनकी पहचान की है और कोरोना टेस्ट करने शुरू किए हैं। यहां आपको बताते चले कि जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम आज सुबह मेल गेट रोड स्थित नई सब्जी मंडी पहुंची, जहां ऐसे लोगों के टेस्ट लिए जो हॉटस्पॉट वाले इलाकों से हिसार पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग एहतियात के तौर पर दिल्ली, जयपुर, यमुनानगर आदि हॉटस्पॉट इलाकों से आने वाले सब्जी विक्रेताओं और उनके वाहन चालकों की पहचान करके उनके सैंपल ले रहा है। बुधवार को विभाग की तरफ से 2 दर्जन से अधिक ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर उनके सैंपल लिए गए हैं। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, बताएं कि आज जो मंडी में जो अभियान चलाया गया सैंपलिंग का, कितने लोगों का टेस्ट किया जाएगा और उसके क्या मतलब जो कारण है जिसकी वजह से सिर्फ मंडी में जो अभियान चलाया गया? पिछले 5-6 दिन से जो है ना, हमारा जो हरियाणा के अंदर जो एकदम बढ़ोतरी हुई है वो मोस्टली मंडियों से हुई है। बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत, वो आजादपुर मंडी वगैरह से हुई है। तो इसको देखते हुए हमने सुबह सुबह आज जो मेरे साथी हैं पवन कुमार जी, एचआई नूर मोहम्मद जी और सुनील दोनों, इनके साथ लेकर हमने सुबह सुबह जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो आड़ती हैं यहाँ के रहने वाले, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो ड्राइवर हैं उनको सबको हमने पिकअप किया और सबको बुलाकर उनका सभी का सैंपलिंग कराई। कि कभी कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई आजादपुर से आ रहा है और कोई इधर से आता है, क्या नाम, यमुनानगर से, जितना भी हॉटस्पॉट एरिया वहीं से आ रहे थे, तो इसलिए हमने इनकी सैंपलिंग करनी जरूरी समझी। तो कितने टोटल सैंपल जो है लिए जा रहे हैं और क्या आगे भी अभियान जारी रहेगा? अभी तक हमने कम से कम 25 के करीब सैंपल ले लिए हैं और अभी तलाश जारी है ड्राइवर्स की। सर, बाहर से आने वाले ड्राइवर्स की और आड़तियों की या कोई जो भी सब्जी विक्रेता होने की? हाँ, सबकी, हम जो भी बाहर से आ रहा है, जैसे कुछ गाड़ियां हैं यहाँ से जाती है मेरठ, आगरा, फिर वो 4 दिन बाद माल लेके वापिस आती है, उनके जो ड्राइवर जो ये खड़े हैं सब, ये उन्हीं के सैंपल हम ले रहे हैं। अच्छा, एक सर पटेल नगर का एक युवक जो है अग्रोहा में भर्ती था 32 साल का या 30 साल का, जिसकी डेथ हुई है, तो उसकी सैंपलिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? उसकी मृत्यु जैसे हुई है तो क्या कोरोना संदिग्ध माना जा रहा था? नहीं, उसका यूटीआई इन्फेक्शन था और मल्टीपल डिसऑर्डर थे उसकी। बाकी तो उसकी पूरे शहर की या पूरे जिले की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति क्या चल रही है कोरोना की? पूरी तरह से नियंत्रण में है, सिर्फ एक केस हमारा पॉजिटिव है द्रोली वाला, बाकी सब जो दूसरा केस था वो घर जा चुका है अपने, उसको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है और बाकी सब स्थिति कंट्रोल में, ऐसी कोई बात नहीं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन साथ लगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.